आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। हेलो दोस्तों, टीचर्स डे स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, एक तो कोरोना महामारी चल रहा है, दूसरा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दाथे उनका निधन हो गया है। इस शोक की घड़ी में हम लोग कुछ स्पेशल टीचर्स डे नहीं मना पाए हैं या नहीं मना पा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स कर कहा कि सर टीचर्स डे स्पेशल में कुछ तो होना चाहिए, तो हमने सोचा कि कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो, आपको मोटिवेशनल वीडियो हमने बनाने का प्रयास किया है। यदि अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्व APJ अब्दुल कलाम से, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनसे सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। दोस्तों उन्होंने क्या कहा था, एजुकेशन हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखते हैं, इस पर उन्होंने दो लाइन कहा था। कहा था इन द वेरी ओल्ड टाइम, इन द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वॉज ड्राइवन बाय मसल्स पावर। द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वॉज ड्राइवन बाय मसल्स पावर, After that it was driven by money power, and now this time it is being driven by the power of knowledge। दोस्तों पूर्व में, प्राचीन समय में जो हमारा देश है, प्राचीन समय में सत्ता हासिल करने के लिए ताकत की जरूरत होती थी, देश चलाया जाता था, ताकतवर लोग चलाते थे। कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए पैसों पर चला, और वर्तमान समय जो है नॉलेज पर, ज्ञान पर। अगर ज्ञान आपके पास है तो आप कहीं भी रह करके, कुछ भी करके आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो ज्ञान की शक्ति से आप अभी दुनिया चलती है दोस्तों, ज्ञान की शक्ति से। दोस्तों अभी आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि आपका जो अदर कंट्री, रसिया है, अमेरिका है, जापान है, ये सब डेवलप्ड कंट्री में जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। इसका वजह जानते हैं, इसका वजह है एजुकेशन। प्राचीन समय में हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उस समय बहुत मजबूत था। भारत को सोने की चिड़िया यूं नहीं कहा गया है, भारत सोने की चिड़िया यूं नहीं कही गई है, क्योंकि भारत के पास सब कुछ था। और आज हमारा भारत, आज हमारा देश गरीबों की श्रेणी में आ गया है, नहीं, और जो हमारे यहां से लूट करके ले गए वो सारे डेवलप्ड कंट्री हो गए, नहीं। अब उन्होंने क्या किया, जब प्राचीन काल में हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा था, तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत जो हमारा है, मध्यकालीन की इतिहास जब पढ़ेंगे आप, तो पाएंगे कि अंधविश्वास में लोग ज्यादा समय देने लगे, शिक्षा को दरकिनार करने लगे। जब शिक्षा को दरकिनार कर दिया गया तो धीरे धीरे हमारे यहां पर क्या हो गया, गरीबी लाचारी बढ़ता गया, अंधविश्वास को लोग ज्यादा मान्यता देने लगा। तो आप अंधविश्वास से अलग रहें, अंधविश्वास से दूर रहें, ठीक है दोस्तों। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि एजुकेशन जो है, आपको कहा जाता है कि माइंड इज शार्पेंड बाय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। दिमाग जो है ना आपका, जब कुशाग्र होगा, तेज होगा, तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में है। जानते हैं कि खुद को ताकतवर बनाना है तो एजुकेशन जरूरी है, खुद को ताकतवर बनाने के लिए एजुकेशन जरूरी है, साथ ही साथ देश को ताकतवर बनाने के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। तो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, शिक्षा को ज़्यादा महत्व दीजिए, हर समय हर जगह पर यह आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़, अब देखिए पहले के समय में क्या होता है, छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम एक चीज़ बताने वाले हैं। पहले के समय में क्या होता था, संयुक्त फैमिली हुआ करता था, परिवार आपका बड़ा होता था, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे,
कोई जाता था, किसी को टोक देता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। टीचर्स जो हुआ करते थे, बच्चे को पीटते थे, डांटते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया दोस्तों, अभी के समय में जब बच्चे को आप थोड़ा सा डांट देते हैं, एकल परिवार हो गया है, संयुक्त परिवार खत्म हो चुका है, बच्चे अकेला रहा करते हैं, जब उसको थोड़ा सा डांट देते हैं, थोड़ा सा एक थोपी लगा देते हैं, चाहे टीचर उसको डांट देते हैं, तो बच्चे आजकल सेंसिटिव हो गए हैं, और इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो समझ लीजिए कि उसको दिल पर ले लेते हैं, और इस तरह से दिल पर ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि वो अपने मन में उसके अंदर एक अलग चीज़ चलने लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होता है कि जो आपको केयर करते हैं, जो आपको संभालने का काम करते हैं, उनका इतना अधिकार बनता है। अब देखिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। एक बार की बात है कि एक गाय जंगल में चर रही थी। जब गाय जंगल में चर रही थी तो कहीं से एक बाघ आ टपका, जो शेर आ टपका, और उसके ऊपर जो है सो उसके पीछे से उस पर वार करना चाहा। गाय देखा कि अब हमारे ऊपर अटैक होने वाला, आक्रमण होने वाला है, तो कोई भी आदमी अपना जान बचाने के लिए भागेगा, तो वह अपना जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है। ठीक है, भागना शुरू किया, कुछ दूर गया तो आगे भागते भागते दलदल मिल गई, तो दलदल में गाय जा करके कुछ दूर तक गया और फंस गया। पीछे से शेर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहा था, शेर भी आगे जा करके वहाँ पर दलदल में जा करके फंस जाता है। गाय थोड़ी आगे रहती है और शेर थोड़ा पीछे रहता है, गाय थोड़ी आगे और शेर थोड़ा पीछे रहता है। अब गाय जब देखती है कि शेर भी फंस गया, हम तो फंसे हुए हैं ही, तो गाय पीछे मुड़ करके हंसती है और बोलती है, हंसती है और बोलती है, क्या बोलती है, तो कहती है कि तू तो गया। देखिए, गाय भी फंसी हुई है, शेर भी फंसा हुआ है, फिर भी गाय कह रही है तू तो गया काम से, शेर तू तो गया काम से, तुम्हारा काम खत्म। शेर को आश्चर्य हुआ, अरे हमसे आगे तुम फंसी हो दलदल में, हमसे ज़्यादा फंसी हो तुम, तो फिर हम जाएंगे और तुम कैसे बच जाओगे। तो कहा, तुम देखते रहो, शाम तक इंतजार करो, तुम गया मैं तो बच ही जाऊँगा। कहा अच्छा ठीक है। शाम हुआ, जो गाय के किसान थे उन्होंने देखा कि बहुत रात हो गया, अंधेरा हो गया, अब गाय अभी तक हमारे पास नहीं आया। उन्होंने गांव के टोला मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ किया, कहा चलो जंगल में जाना है तो खोजने के लिए चलो, तो कुछ लोगों को साथ करके उन्होंने गया, रस्सी पागा लेकर के जब गया तो देखा गाय दलदल में फंसा हुआ, उसके पीछे बाघ भी फंसा हुआ है। क्या किया, रस्सी से, डंटल से, लकड़ी की सहायता से गाय को बाहर निकाल लिया और शेर को छोड़ दिया। शेर फंस गया उसी में दलदल में, मर गया। जाते जाते गाय ने एक बात कहा, गाय ने एक बात कही, क्या कही, कि जिसको संभालने वाले होते हैं ना, वो कभी दलदल में फंस करके नहीं मरा करते। जिसको संभालने वाले होते हैं वो कभी दलदल में फंस करके यूं ही नहीं मरा करती। दोस्तों, इस बात को समझिए कि आपके जो केयर करने वाले लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके गुरुजी हैं, आपके शिक्षक हैं, ये आपके आपको केयर करते हैं, आपको संभालने का काम करते हैं। ये कभी कभी आपको कुछ बातें बोल देते होंगे तो उसको बुरा लग जाता होगा आपको, तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बातों को समझिए, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उनका भी कुछ अनुभव है इस दुनिया में, उन्होंने भी वर्षों से, 50 वर्ष, 40 वर्ष के होंगे, उन्होंने इतने वर्षों में कुछ अनुभव एकत्रित किया है, उनसे अनुभव से भी कुछ, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों। ठीक है, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और यह जो अनुभव जो सिखाता है ना, वो ऐसा सिखाता है कि समझ लीजिए वो जीवन में कभी भूलने वाली बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप, कहा जाता है रामायण में पढ़े होइएगा या महाभारत में, जो लोग पढ़े होंगे उनको जरूर पता होगा कि भरे भाव मानुष तन पावा। कभी कभी बच्चे स्ट्रेस में जीने लगते हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है,
विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कोविड-19 परेशान कर दिया, नहीं साथ ही साथ एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब कहा गया है बड़े भाग मनुष्यतन पावा, इसका तात्पर्य होता है कि यह जो शरीर मिला है, यह जो जीवन मिला है, बड़ा ही भाग्य से मिला है। तो इसको आसानी से नहीं, इसको छत बिछत होने दें, इसके लिए भी समय निकालें। आपके पास जो 24 घंटा समय है, इस शरीर का जो 24 घंटा उपयोग करते हैं, इसको कम से कम 30 मिनट जरूर दीजिए। जब तक इस शरीर को 30 मिनट नहीं दीजिएगा, तब तक आपका माइंड जो है सो शार्प नहीं बनेगा। आप इसे 30 मिनट दें या खुद ब खुद आपके दिमाग को शार्प बना देगा। अब 30 मिनट देने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, कि 30 मिनट आप प्रत्येक दिन कम से कम एक्सरसाइज करें, योगा करें, इन सब चीज़ों में जरूर दें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और जब स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ आत्मा रहेगा, तो स्वस्थ मन हो जाएगा। और जब मन स्वस्थ रहेगा तो आप किसी भी कार्य को आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, टीचर्स डे स्पेशल में हमने आपको छोटी सी बातों को बताने का प्रयास किया है। आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, और अपने जीवन में हमेशा इस बात को गांठ में बांध कर रखिए कि यह जीवन आपके लिए अनमोल है, और इसका उपयोग, इसका जो है जिस तरह से आप उपयोग करें, इस तरह से उपयोग करें कि वह आपके लिए आपके जीवन में अच्छे मार्ग प्रशस्त करें। ठीक है दोस्तों, खास करके कुछ जो हमारे जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उन्हें भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि एक समय था। आप गौर कीजिए, एक अनुभव कीजिए, या अपने दादा दादी या नानी से पूछिए, वो बताएंगे कि इतना बड़ा घूंघट लेके, पहले तो इतना बड़ा घूंघट हुआ करता था, उसके बाद चक्की चलाई करती थी, पर दिन कितना मेहनत किया करती थी, घर के अंदर रहा करती थी, किसी से कुछ बोल नहीं पाती थी, बोलने के लिए भी, बात करने के लिए भी फुसुर फुसुर करके बात करना पड़ता था। ठीक है, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु आज का जो समय है, आप बराबरी में आ गए हो, आपको एजुकेशन बराबरी में मिल रहा है, पूरा का पूरा समझ लीजिए सारा सिस्टम आपको बराबरी का कर दिया गया है। आप खुले में घूम सकते हो, आप सर पे ओढ़े या ना ओढ़े कोई बात नहीं है, पूरी आज़ादी मिली हुई है। तो इसका फायदा उठाइए, कोसिए नहीं पुराने वाले लोगों को, कह रहे तुम क्या हो, तुमने कुछ नहीं किया, हम क्या करें, नहीं उसको मत कोसिए, उनका अलग समय था, आपका अलग समय है। ठीक है, तो आपका जो समय है यह आपको एक क्या कहे वेल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप भुनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, खास करके ये हमारी महिला बहनों जो देख रही है वीडियो को, उनके लिए यह बहुत ही स्पेशल बात है कि आपको जो आज़ादी मिली है, आपको जो स्वतंत्रता मिली है, आपको जो अधिकार प्राप्त है, वह आप पीछे मुड़ करके देखें, ज़्यादा नहीं 30-40 साल पीछे चल जाएं, 25-30 साल पीछे चल जाएं, तो उनको आज़ादी नहीं थी, और अगर आपको आज़ादी मिला है तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। महिलाएं अभी पीछे कहाँ हैं, हर जगह पे आगे हैं, हर जगह पे। आप क्यों पीछे हो, मेहनत करो, मेहनत का तूफान पैदा करो, ईमानदारी से यदि मेहनत करेंगे तो आपके लिए सफलता का रास्ता जो है सो बहुत ही आसान हो जाएगा। कहा ही जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी नहीं अपनाइएगा तो समझ लीजिए परेशानी आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। दोस्तों सत्य कड़वा होता है, थोड़ा सा सत्य कड़वा होता है। ठीक है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें और अपने जीवन को सफलतम रास्ते की ओर ले चले। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी टीचर्स डे।